गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम तमन्ना फ्रॉम CSE डिपार्टमेंट इन सत्यम पॉलिटेक्निक कॉलेज एट नकोदर। आज आपका सब्जेक्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑफ सेमेस्टर 5th। हमने कल पढ़ा था आर्किटेक्चर फंक्शनल व्यू का, आज हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर IoT में इंफॉर्मेशन व्यू का। ठीक है, डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशनल व्यू के हम उसके जो आपके दो तीन रहते थे व्यूज़ वो आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आज है इंफॉर्मेशन व्यू। इंफॉर्मेशन का मतलब है आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे कौन हैंडल करता है, IoT सिस्टम जो है उसे हैंडल करेगा। जितनी भी वर्चुअल एंटिटी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वर्चुअल एंटिटी मतलब जितनी भी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है और जितनी भी सिंपल स्टेटमेंट है, उन्हें सारा उन स्टेटमेंट को कौन हैंडल करेगा, IoT इंफॉर्मेशन मॉडल उसे हैंडल करेगी। बहुत से एग्जांपल्स है जिसमें इंफॉर्मेशन आप हैंडल कर सकते हो। सेंसर से आप अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकते हो और टैग सर्विसेज से। ठीक है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन में क्या है रिसोर्स, इसमें आपकी रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन पता लगेगी, जैसे कौन सी आइडेंटिटी है, किस यूनिक आइडेंटिटी आप किसी भी डिवाइसेस की या किसी भी रिसोर्स की पता कर सकते हो, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की है और कौन कौन सी हमने उसे डिवाइसेस दी है। नेक्स्ट है डिवाइस की डिस्क्रिप्शन। डिवाइस हर एक प्रोसेस या हर एक व्यू कितनी कितनी डिवाइस की कैपेबिलिटीज लेगा, उसे उसकी एग्जांपल कौन कौन सी है डिवाइसेस की, रेडियो हो गया, सेंसर्स हो गया। कौन कौन हमें इंफॉर्मेशन देता है, रेडियो की जैसे हम आप टेलीकास्ट करते हो उसे सिग्नल प्रोसेस कर सारे को आपकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये किससे किसकी हेल्प से होता है, IoT की हेल्प से ये सारा कुछ होता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपोज्ड सर्विसेज। इसमें क्या है, जितने कॉम्प्लेक्स जितनी कॉम्प्लेक्स सर्विसेज या जितने भी मॉडल हमारे कॉम्प्लेक्स है उसे क्या किया जाएगा, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और उसे सिंपल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे और सिंपल फंक्शंस यूज़ करवा कर उस सर्विसेज को यूज़ किया जाएगा। IoT बिजनेस प्रोसेस मॉडल, इसमें क्या है, जितने भी IoT के रिलेटेड सर्विसेज है और जितने भी बिजनेसेस में प्रोसेसेस है उसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा इंफॉर्मेशन व्यू के अंडर। नेक्स्ट देखिए, इसके हमने लाइफ साइकिल और इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है उसे हमने दिखाया है डायग्राम में। देखिए, सबसे पहले हमारी जो इंफॉर्मेशन थी उसमें हमने वैल्यूज वगैरह थी और उसमें हमने एक जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट ए में देखिए हमने एक कंटेनर लिया है और उसमें अपनी इंफॉर्मेशन रखेंगे। नेक्स्ट बी में देखिए हमारे पास मेटा डाटा है। ठीक है, मेटा डाटा, ठीक है, इसमें क्या है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसे एक कंटेनर में, और कंटेनर क्या करेगा, 1-to-1 कम्युनिकेशन के साथ जितने भी डाटा है आपके और जितने भी आपके फंक्शंस है उसे देखेगा और उसे मेटा डाटा को, जैसे आप किसी भी नाम के टाइप के और वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने डाटा को स्टोर करवा सकते हो। नेक्स्ट सी एग्जांपल में देखिए, सर्विसेज दी है, अगर हमारे पास सर्विसेज है, डिस्क्रिप्शन है, हमने क्या है 1-to-1 कम्युनिकेशन के साथ हमने उसकी रिसोर्स दी है और 1-to-many कम्युनिकेशन के साथ हमने उसको डिवाइसेस प्रोवाइड करवाई है। नेक्स्ट इसका देखिए डी पार्ट में इसका देखिए क्या हमने किया है, हमने मेटा डाटा, हमारे पास जो भी डाटा था उसे कंटेनर से लेकर मेटा डाटा पर स्टोर कर दिया। अब हमने क्या किया है, वर्चुअल एंटिटी यूज़ कर और एसोसिएशन की हेल्प से हम उसे क्या करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। अब एसोसिएशन की हेल्प से हमने जो भी एट्रीब्यूट्स यूज़ होंगे एंटिटी टाइप में, जितने भी एट्रीब्यूट यूज़ होंगे और जितनी भी वैल्यूज देंगे डाटा में, उन सबको हम क्या करेंगे, एक ही वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगे। कहाँ स्टोर करवाएंगे, वर्चुअल एंटिटी में स्टोर करवाएंगे। इसमें आप इजीली किसी भी डाटा को या किसी भी फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहले IoT में ऐसा कुछ नहीं था,
आपने एक बार सर्विसेज दे दी, जितनी देर तक वो रिलीज नहीं करता उतनी देर तक ये सर्विसेज आगे प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसमें क्या है, आप बाहर का भी सर्विसेज वगैरह दे सकते हो। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब इतनी इंफॉर्मेशन आएंगी, मेटा डाटा, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बिजनेस उनको हैंडल कैसे करेंगे? मेन टास्क है उसे हैंडल करने का, ठीक है। सबसे पहले किसी भी इंफॉर्मेशन को हम देते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, उसे पुश करवाते हैं। अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट दें, अगर हमें रिस्पॉन्स आ जाए तो हमारी इंफॉर्मेशन अच्छे से वर्क कर रही है। हम अपनी सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारे IoT सिस्टम ही इसे हैंडल कराएंगे, ठीक है। हम इसमें ऑन डिवाइसेस रिसोर्सेज, मतलब किसी भी प्रोसेस को या किसी भी रिसोर्स को, अगर कोई भी रिसोर्सेज चाहिए, अगर वो कोई रिसोर्स की डिमांड करेगा, हम उसी वक्त उसे ऑन डिवाइस रिसोर्सेज का मतलब है जो डिवाइस की वो मांग करेगा वो डिवाइस उसे देंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लो सेंसर रिसोर्सेज, ये रियल टाइम रिसोर्सेज है। अगर ये कभी भी कोई डिमांड कर रहा है, ये फिजिकल वर्ल्ड, जैसे आज हमारा वर्ल्ड चल रहा है उस पर ये रिसोर्सेज, ये सर्विसेज देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, हाई लेवल इंफॉर्मेशन बताते हैं। सबसे पहले देखिए, दो ए, एक है बी, एक है सेंडर और रिसीवर। सेंडर ने क्या किया, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड किया। बी में किया, जो इंफॉर्मेशन पुश की थी उसने रिक्वेस्ट की बी को और उसने रिस्पॉन्स दे दिया, मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ईजिली अवेलेबल हो रही है। नेक्स्ट सी पार्ट में देखिए, सब्सक्राइब और नोटिफाई। सब्सक्राइब का मतलब है आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हो या आपको उसके बारे में आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलती जाए, ठीक है। ऐसे SB और C, ठीक है। बी ने सी को सब्सक्राइब किया, ए ने भी सी को सब्सक्राइब किया, और अगर जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो जो सी है वो नोटिफिकेशन देगा बी को और सी नोटिफिकेशन देगा ए को। ए सी बी और पी, पी का मतलब है पब्लिश। अगर हमारे सब्सक्राइब भी हो रहा है, नोटिफिकेशन भी मिल रही है, अगर कोई भी चीज़ हमें पब्लिश करवानी हो न्यू इन्वेंशन में, वो करेगा सबसे पहले बी पार्ट में जाएगा और फिर नोटिफिकेशन वगैरह हमें मिलती जाएगी। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशनल व्यू। इसमें क्या है, जितनी भी आपकी स्मार्ट ऑब्जेक्ट से IoT में जितनी भी आपकी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है उसे डिफरेंट डिफरेंट वे से आप कम्युनिकेट कर सकते हो टेक्नोलॉजी की मदद से। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को कम्युनिकेट करने के लिए? IoT, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशनल व्यू जो है ये यूज़र के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। इसकी डिज़ाइनिंग पार्ट भी बहुत इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, और इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी सर्विसेज की अच्छी होती है। नेक्स्ट आप डायग्राम में देखिए, एक है यूज़र, ठीक है। यूज़र में मल्टीपल टास्क आपको डिवाइडेड किए गए हैं, आपको थोड़ा दिखेगा इसमें क्या है। कोई भी यूज़र है, उसने कोई भी सब्सक्राइब किया, अगर आपकी सर्विसेज है तो वो क्या करेगा, किसी जितने भी आपने डाटा को सेंड किया है, वर्चुअल एंटिटी, जितने भी रिसोर्सेज आपको चाहिए वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। अगर आपको नेटवर्क रिसोर्सेज चाहिए वो भी देगा, ऑन डिमांड रिसोर्सेज चाहिए वो भी देगा। अगर हमने डिवाइसेस चाहिए, जैसे हमने कोई भी डिवाइसेस चाहिए किसी भी रिसोर्स को हैंडल करने के लिए, तो सेंसर वगैरह, एक्चुएटर और टैग वगैरह भी दिए जाते हैं। फिजिकल एंटिटी का मतलब क्या है, जितना भी बाहर से डाटा है वो हमें ईजिली दूसरे हमारे चीज़ों का अफेक्ट नहीं करवाएगा, ठीक है। अगर हम आगे डायग्राम की हम डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, मतलब इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, हमने IoT डोमेन मॉडल डायग्राम यूज़ किया है, जो ये क्या करेगा, जितनी भी डोमेन की इंफॉर्मेशन है, जैसे किसी भी सब्सक्राइबर, किसी भी नोटिफिकेशन, किसी भी रिसोर्स की और किसी भी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ जाएगी डोमेन में, उसकी गाइडलाइन को बताएगा। जितने भी फंक्शन मॉडल है वो रेफरेंस देगी उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जितने भी कनेक्शन होंगे सेंसर वगैरह में, रिसोर्सेज वगैरह में, उसे कनेक्ट किया जाएगा, और जितनी भी कनेक्टिविटी देनी हो नेटवर्क की कनेक्टिविटी और टोपोलॉजी की, उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। अगर हमारा
कोई भी डायग्राम हायरार्की फॉर्म में हो तो उसे नेटवर्क जो है हायरार्की फॉर्म में नेटवर्क को सब डिवाइड और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि उसकी जो नेटवर्क स्पीड है या नेटवर्क कनेक्शन है वो इजिली मैनेजेबल हो जाए। जो ऑपरेशनल फंक्शन और इंफॉर्मेशन व्यू है ये सिर्फ आपके लिए एक आर्किटेक्चर जो IoT में यूज़ होता है। अब कौन कौन सी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, कैसे हुई है, ये सारा कुछ ये कहाँ आपको IoT में ही पता लगेगा। आपको आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया इसके आर्किटेक्चर IoT के। आपको अगर कोई भी किसी भी आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ बताइए। थैंक यू।